गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 4, पार्ट्स एंड होल्स। उसमें आज हम पेज नंबर 53 से 8 नंबर का क्वेश्चन वर्कबुक सॉल्यूशन ले रहे हैं। वन नंबर में है, देखो, मैच द फॉलोइंग वन सेक्शन ए एंड वन सेक्शन टू। फर्स्ट का आंसर आपका होगा 1/3, सेकेंड 1/2, थर्ड 2/5, फोर्थ 3/5, फाइव नंबर 1/4। ओके, सेकंड बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 3/4। फर्स्ट का आंसर होगा 3/4, सेकंड का आंसर होगा 4/5, थ्री का आंसर होगा 2/4, फोर का आंसर होगा 1/5 एंड फाइव का आंसर होगा 2/5। ओके, अब 9 क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट में 1 और सेकंड जो लाइन है उसमें 1/2 लिखा है, उस साइड आपको 1/2 लिखना है। 1/4, 1/4, तो जो दो बॉक्स आपको ब्लैंक दिए गए हैं उसमें 1/4, 1/4 लिखना है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ये भी ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। कंप्लीट द पिक्चर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। 1 नंबर, द पिक्चर शो 1/5 पेटल ऑफ ए फ्लावर, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर पेटल्स। अब देखो बेटा, इसमें आपको जो पिक्चर्स दिया हुआ है उसमें ओनली 1 जो फूल की पंखुड़ी होती है ना, फूल के जो एक पार्ट होता है, फूल पूरा कंप्लीट फ्लावर होता है, उसे 1 आपको ड्रॉ करके दिया है और 1/5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि पूरे जो पेटल्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल 5 होने चाहिए। ओके, तो हम कंप्लीट करेंगे 5, 1 दिया हुआ है हमें और 4 ड्रॉ करने हैं। सेकंड है, द पिक्चर शोज 1/3 पार्ट्स ऑफ द ब्लेड ऑफ ए फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स। ओके, अब इसमें 1 ड्रॉ किया हुआ है प्लेट, आपको 2 प्लेट्स और ड्रॉ करने हैं। प्लेट्स ये जो होते हैं फैन के पंखे, फैन के जो पंख होते हैं वो। 3 नंबर में है, द पिक्चर शोस 1/2 पार्ट्स ऑफ द ब्लेड ऑफ ए फैन, कंप्लीट द पिक्चर्स ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स। अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ओके, तो 1/2 मीन्स होता है हाफ। ओके, हाफ है, 1/2 मीन्स हाफ, तो उसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो 1/2 और 1/2 को प्लस करेंगे तो 2/4 आएगा। ओके, मीन्स क्या हुआ, इसमें आपको जो फैन के पंख बनाने हैं वो आपको 4 बनाने हैं, टोटल 4 कंप्लीट करने हैं। 4 नंबर, द पिक्चर शोज 3/4 पार्ट ऑफ द व्हील ऑफ ए कार, कंप्लीट द पिक्चर्स ड्राइंग रिमेनिंग व्हील्स। अब देखो जो कार दिख रही है उसमें 1, 2, 3 तो आपको व्हील्स दिख रहे हैं, एक व्हील्स नहीं है उसमें, तो आपको उसको ड्रॉ करना है, इस तरह से कंप्लीट कर देना है। 5 नंबर, द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट्स ऑफ द एप्पल्स ऑन ए ब्रांच, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर एप्पल्स। अब देखो बेटा, इसमें 3 दिया है अप में और 5 नीचे है, टोटल एप्पल कितने होने चाहिए, एप्पल्स होने चाहिए 5। ओके, 3 का ड्राइंग किया हुआ है, आपको 2 बना करके कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट हम सम लेते हैं। उसमें देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, टू एस डायरेक्टेड क्वेश्चन है, रामू वॉन्टेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, ही गेव टीनू 1/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पोटेटोज। ओके, रामू वॉन्टेड टू गिव, रामू जो है अपने फ्रेंड्स को कुछ वेजिटेबल्स देना चाहता है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, उसके 3 फ्रेंड है, एक टीनू है और एक मीनू है
और एक है दिनू, ओके। तो उसने तीनों को 1/5 यानी पांचवा हिस्सा, ओके, ऑफ द टमेटो, टमेटोस दिए, 1/3 parts पटेटो दिए, ओके। मीनू को उसने 2/5 पार्ट्स टमेटो दिए हैं और 3/6 ऑफ द पटेटो, पटेटो दिए उसने 3/6 parts। अब दिनू गॉट द लेफ्ट वेजिटेबल, जो बच गया था उसको दिनू को देना है, ओके। टीनूस शेयर इन रेड, जितना भी पटेटो या टमेटो उसने टीनू को दिया है उसे रेड कलर कर देना है। मीनू शेयर इन ग्रीन, मीनू को जो दिया है उसे जैसे पटेटो दे दिया और टमेटो दे दिया तो उसमें उनको ग्रीन कलर कर देना है। एंड दिनू शेयर इन येलो, और जो भी दिनू को मिल रहा है पटेटो या टमेटो उसमें येलो कलर करना है, ओके। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, हाँ रामू ने दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टीनू 1/5, यहाँ पर हम एक पेज लेते हैं उसमें कंप्लीट करते हैं। रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, ही गेव टीनू 1/5 parts। 1/5 parts किसको दे रहा है? वो टीनू को दे रहा है, हाँ टीनू को दिया उसने 1/5 ऑफ द टोमेटो। अब हमें टोमेटोस टोटल काउंट करने हैं कि टोमेटोस टोटल कितने हैं, ओके। तो टोमेटोस हैं टोटल्स 20, ओके। अगर हम टोमेटो को काउंट करते हैं तो पूरे टोमेटो 20 हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 20 से इस तरह से मल्टी कर देंगे, ओके। इस तरह से मल्टी करने पर 5 4 होगा 20, 5 4 20, तो आंसर मिलेगा हमें 4। यानी टीनू को उसने टमेटो कितने दिए? 4 दिए, ओके। तो 4 में हमें कौन सा कलर कर देना है? चलो चेक करते हैं। टीनू शेयर रेड, रेड कलर करना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 में रेड कलर किया हुआ है, ओके। अब आते हैं पटेटो कितने दिए, ये हुए टमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पटेटो, 1/3 पार्ट उसने पटेटो दिए हैं। तो अब पटेटो कितने दिए होंगे उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर फिर से पेज ले लेते हैं और उसमें हमने लिखना है 1/3, ओके। अब 1/3 पार्ट्स पटेटो दे रहे हैं तो पटेटो कितने हैं टोटल काउंट कर सकते हैं। तो टोटल काउंट करने पर पटेटो मिल रहे हैं हमें 18, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 6 18 हो गया, 3 से 18 को डिवाइड करने पर आंसर होगा 6, ओके। तो आप क्या करेंगे, 6 में रेड कलर करेंगे, ओके। 6 में आपको रेड कलर करना है पोटैटो में। चलो चेक करते हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 पोटैटो में हमने रेड कलर कर दिया है। यानी तीनों को 4 टमेटो मिले और 6 पोटैटो मिल गए, ओके। अब इसके आगे है उसका नेक्स्ट फ्रेंड है मीनू। मीनू गॉट 2/5 ऑफ द पटेटो, 2/5 उसको टोमेटो मिल रहे हैं। मीनू गॉट 2/5 ऑफ टोमेटो। अब इसको सॉल्विंग करते हैं हम। टू अपॉन फाइव है और वो है क्या, पटेटो है या टोमेटो है? तो 2/5 ऑफ द टमेटोस लिखे हुए हैं। तो टमेटोस टोटल कितने थे हमारे पास? 20, ओके। अब देखो यहाँ पर 5 का हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो 5 4 हो गया 20, ओके, कट हो गया 5 4 20, ओके। अब आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं? 2 है और 4 है। देखो ये 2 और ये 4 है ना। अब इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, 2 4 8, ओके। तो 8 क्या हो गए? टमेटोस। अब ये किसको देने हैं? टमेटोस देने हैं मीनू को, ओके। अब जाते हैं यहाँ पर, ओके, टमेटोस मीनू को देने हैं हमें 8, ओके, 8 देने हैं। अब उसमें कौन सा कलर करना है?
तो उसमें ग्रीन कलर करना है. ओके, तो देखो हमने टमेटो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टमेटो में ग्रीन कलर कर दिया. ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोस. 3/6, देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा होगा, 3/6 ऑफ द पोटैटोस. ओके, 3/6 पोटैटो दिया है, किसको दिया? मीनू को दिया है ना. फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, लिखेंगे हम 3/6. 3/6 क्या है? पोटैटोस हैं, और पोटैटो कितने हैं? तो यो 18 है. ओके, तो 6 3 4 18. ओके, अब ये 3 और इस 3 को हमें करना है मल्टीप्लिकेशन. तो 3 3 4 हो गया 9. ओके, इस तरह से कंप्लीट होगा. तो अब ये जो 9 है वो क्या है, क्या होगा? वो पोटैटोस होगा. ओके, और वो किसको देना है हमें? वो देना है हमें मीनू को. ओके, और मीनू को देना है तो हमें कौन सा कलर करना होगा? ग्रीन, है ना. तो हम देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 पोटैटो में हमने कर दिए ग्रीन कलर. ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब नंबर आता है दीनू का, है ना. तो दीनू को क्या हो रहा है, जो भी पोटैटो और टमेटो बच गए हैं, है ना, तो वो दीनू को दिया जा रहा है. तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि चलो टमेटो हो गए, पोटैटोस हो गए, अब जो बच्चे हैं उसको दीनू को दे दो. और दीनू को जो देना है उसमें क्या करना है, आपको येलो कलर कर देना है. ओके, इस तरह से आप कर सकते हो कंप्लीट, है ना. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमोंग हर फ्रेंड्स. सी गेव 1/4 ऑफ द चॉकलेट टू निशा, 1/5 ऑफ द चॉकलेट टू दिशा एंड 2/5 ऑफ द चॉकलेट टू सीमा. सर्कल निशा शेयर इन ब्लू एंड दिशा शेयर इन ऑरेंज, सीमा शेयर इन वायलेट एंड रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक. ओके, जैसे आपने पोटैटो में टमेटो में कलर किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करना है. सर्कल भी कर सकते हो, आप ये कलर भी कर सकते हो. ओके, अब यहाँ देखो हमें सॉल्विंग कैसे करना है. तो पिंकी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड, सी गिव 1/4 ऑफ चॉकलेट टू निशा. तो 1/4 को हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं. लिखते हैं 1/4 और टोटल चॉकलेट्स कितनी है तो उससे हमें काउंट करना है. तो टोटल चॉकलेट्स हमारे पास है 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड कर देंगे, है ना, 4 के साथ. हो गया, तो आंसर आया आपके पास 5. ओके, तो 5 चॉकलेट्स हमें किसको देनी है? निशा. ओके, अब निशा को जो देना है उसमें हमें कलर कर देना है ब्लू. ओके, सर्कल भी कर सकते हो. ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निशा का कंप्लीट हो गया. अब दिशा का, दिशा है, दिशा को लिखा है 1/4 निशा एंड 1/5 ऑफ चॉकलेट टू दिशा. 1/5 कर लेते हैं सॉल्यूशन. 1/5 मल्टी, देखो यहाँ पर क्या है, वो जो क्वेश्चन था आपका ऊपर वाला उसमें पोटैटो टमेटो था, उसमें अलग अलग काउंटिंग था, इसमें कोई काउंटिंग अलग अलग नहीं है, है ना, 20 ही है. तो आपको 20 से ही डिवाइड करना है. 5 4 हो गया 20, इसमें आंसर आ जाएगा 4. ओके, अब ये 4 किसे देना है, हमें दिशा को देना है. ओके, और दिशा में कौन सा कलर करना है? सर्कल निशा शेयर इन ब्लू, दिशा शेयर इन ऑरेंज, ऑरेंज कलर करना है. ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सीमा, सीमा शेयर इन वायलेट. ओके, तो सीमा का है 2/5, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2/5. अब देखो चॉकलेट्स टोटल 20 ही है, इसलिए हमें 20 से ही सॉल्यूशन करना है. तो 2/5 है तो हम क्या करेंगे, 5 4 20. ओके, एंड 2, ओके ये 2
और ये 4 का होगा मल्टी। ओके, आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि मैम ने नीचे क्यों लिख दिया है ना, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लिकेशन हुआ आपका 20 के साथ, 5 4 जा हो गया 20। ओके, अब देखो बच्चों, ये 2 है, ये 4 है ना, इस 2 का इस 4 के साथ मल्टी कर देंगे तो हो गया 2 4 जा 8। ओके, यहाँ हुआ इसको किसको देना है हमें 8, दिशा शेयर हो गया, सीमा हो गया है ना, अब 8 हमको दे देना है सीमा को। हाँ, सीमा को हमें 8 चॉकलेट देनी है, इसलिए उसमें कौन सा कलर कर देना है, वायलेट कलर कर देना है। आप सर्कल भी कर सकते हो, आपको पूरी चॉकलेट में कलर ना करना हो ना, तब सर्कल कर देना। ओके, अब है एंड रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक, अब जो भी बाकी चॉकलेट बचती है उसमें कौन सा कलर कर देना है, ब्लैक कर देना है। ओके, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो ब्लैक कितनी बच गई है, 3 चॉकलेट ब्लैक बच गई है। तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना है, जितनी भी चॉकलेट हमने बांट दी है, हमें किस किस को दिया है, हमने सबसे फर्स्ट निशा को दिया, फिर दिशा को दिया और सीमा को दिया। ओके, उन सबको चॉकलेट को हमें प्लस कर देना है ना, प्लस देखो हमने किया है 5 4 8, 5 4 8 को यहाँ पर देखो, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, इन तीनों को जब प्लस किया तो 17 आ गया, और टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी थी 20। ओके, 20 में से 17 को हमें माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 3। तो 3 चॉकलेट्स में हमें ब्लैक कलर कर देना है, सर्कल भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेजिटेबल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब वेजिटेबल्स में आप देख लो, जो पोटैटोस हैं उसके कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 2। ओके, टमेटोस के कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 1 2 3। ब्रिंजल के कितने हैं, 1 and 2। पिनाक 1 है और चिल्ली भी ओनली 1 है, हाँ 1 का ग्रुप है। अब क्वेश्चन में आते हैं, विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, हाँ वॉट पर, तो कौन सा ऐसा वेजिटेबल्स है जो फील्ड में यानी खेतर में ज़्यादा हुआ है। ओके, तो हम कौन सा देखेंगे, पार्ट्स ऑफ टमेटो, क्योंकि टमेटो के कितने ग्रुप हैं यहाँ पर देखो, 1 2 and 3, 3 ग्रुप्स हैं। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ टमेटो इज 3/9, टोटल कितना है आप काउंट कर लो, ग्रुप देखो उसके, चिल्ली का 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नीचे है 9। ओके, टोटल हुआ 9, तो आप लिखोगे टमेटो इज 3/9, आप उसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे 1/3, वो आपको इस तरह से करना है, जैसे 3/ यहाँ लिखते हैं हम, 3/9 है, तो 3 1 3 कर देंगे, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ अच्छे से, जैसे 3/9 है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको कट करने के लिए, 3/9 इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 3 9। हाँ, अब ये जो हमने मल्टी किया है यानी कट किया है, उसमें देखो सेम नंबर है 3 और 3, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या बचा, 1/3, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, यानी आप 3 3/9 भी आपका आंसर राइट होगा और 1/3 भी राइट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ग्रो पोटैटो एंड ब्रिंजल, तो पोटैटो और ब्रिंजल के कितने पार्ट्स हैं वो चेक करते हैं। पोटैटो है 2 पार्ट्स में, देखो 1 1 and 2, और ब्रिंजल है 1 and 2, है ना, 2 2 पार्ट्स में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, पोटैटो 2/9 पार्ट्स एंड ब्रिंजल 2/9 पार्ट्स। 3 नंबर में है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो पिनाक एंड चिली, पिनाक एंड चिली कितने पार्ट्स में थे, ओनली 1 1 पार्ट्स में थे,
अगर हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो देखो ये हेड, ये है चिल्ली, ये है पिनाक, है ना। और हमने वन वन पार्ट्स में है तो हम लिखेंगे वन अपॉन नाइन, वन अपॉन नाइन, है ना, वन अपॉन नाइन पार्ट्स, वन अपॉन नाइन पार्ट। ओके, फोर नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द, हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ द पोटैटोस देन द पार्ट ऑफ पिनाक। ओके, तो कितना पार्ट्स ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि टू, है ना। पोटैटो से कितना गुना ज़्यादा है तो दो, टू टाइम ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इज गिवन हियर, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स। ओके, फर्स्ट में देखो पोटैटो का प्राइस 15 है, टोमेटो का प्राइस 20 है, लेडीज फिंगर का प्राइस 18 है, केबिस का प्राइस 12 है, ऑनियन का प्राइस 16 है। अब इसमें से आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन वन है, हाउ मच डस 2 केजी ऑफ पोटैटोस कॉस्ट, 2 केजी पोटैटो का प्राइस कितना होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 केजी पोटैटो इज इक्वल टू 15 रुपीज़ है। ओके, तो 2 केजी पोटैटो कितने का होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 15 मल्टी 2 कर देंगे तो हो गया 30। सेकेंड नंबर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 यानी हाफ, हाफ के जी ऑफ टमेटो, तो 1 के जी टमेटो इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एंड हाफ के जी टमेटो इज हाउ मैनी। तो आप क्या करोगे, 20 मल्टी 1/2 लिखोगे, है ना। तो उसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, देखो 20 और 1/2 तो हो गया 10, है ना, आंसर आएगा 10। ओके, 10 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच डस 2 के जी पोटैटोस कॉस्ट, 1 के जी पोटैटो का प्राइस है आपके पास 15 रुपीज़। देखो हम अगेन चेक करते हैं, यहाँ पर पोटैटो का प्राइस 15 रुपीज़ है। ओके, तो 2 के जी पोटैटो का प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 15 मल्टी 2 30 हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ टमेटो, 1 के जी टमेटो इज इक्वल टू 20 रुपीज़, हाफ के जी टमेटो इज इक्वल टू 10 रुपीज़। हाउ मच डज 3 एंड 1/2 के जी ऑफ लेडीज फिंगर, अब लेडीज फिंगर का प्राइस क्या है, 18 रुपीज़ है। ओके, और क्या पूछा है, 3 एंड हाफ, तो फर्स्ट आप 3 का प्राइस निकालोगे, 3 के जी का, तो 3 के जी का प्राइस निकालने के लिए हम 18 मल्टी 3 करेंगे, तो 18 मल्टी 3 करने पर हमें मिलेगा 54। ओके, देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का, 1 के जी जो लेडीज फिंगर है उसका प्राइस है हमारे पास 18 रुपीज़। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 एंड 1/2। ओके, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 3 के जी का प्राइस निकाल लेंगे, सिंपल, तो 3 के जी का प्राइस निकालने पर हमें मिल रहा है 54। ओके, 18 को 3 से मल्टी करने पर 54 मिलेगा। ओके, उसके बाद हमें जो ये हाफ है उसका प्राइस निकालना है, तो 18 का हाफ क्या होगा, 18 का हाफ सिंपल है 9 होगा, तो 18 का हाफ 9 होगा, तो हम उस 9 को क्या करेंगे, 18 के साथ प्लस कर देंगे। ओके, प्लस करने पर हमें आंसर मिलेगा 63। ओके, इस तरह से 63 मिलेगा, तो ये हुआ आपका राइट आंसर 63। ओके, 1 के जी लेडीज फिंगर का प्राइस 18 रुपीज़, तो 3 के जी का क्या प्राइस होगा, 54 होगा, और हाफ जो है 3 के बाद जो हाफ है उसको हाफ करेंगे 18 में से, 18 का हाफ होता है 9, तो 54 को 9 से प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 63। ओके, अब 4 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है, लेकिन इसमें 3 या 4 के जी नहीं दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 के जी ऑफ केबिस, तो 1 के जी दिया हुआ है तो इसलिए आपको उसे मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने 3 के साथ किया था वैसे करना नहीं है। तो 1 के जी केबिस इज इक्वल टू 12 रुपीज़ है, तो 12 रुपीज़ आपके पास हो गया 1 के जी का प्राइस, तो हाफ का प्राइस क्या करना है आपको, हाफ को कट कर देना है, यानी 12 के साथ यहाँ पर देखो ये जो किया हुआ है 12 रुपीज़ है और हाफ़,
तो जैसे हमने आगे के सम में किया था वैसे कट कर देना है। 2 के टेबल में 12 कब आता है तो 6 टाइम पे आता है, यानी 6 हो गया। अगर आप ओरली भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, है ना। 12 का हाफ क्या होता है, 6 होता है। ओके, अब क्या करना है आपको, 12 और 6 को प्लस कर देना है तो हो जाएगा 18 रुपीज़। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन कर देना है। ओके चिल्ड्रन, आज हमने यहाँ पर चैप्टर 4 के कुछ सॉल्यूशन किए, है ना, जो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।